हे एवरीवन, इट्स मी एमडी क्रेज हियर एंड गाइस फाइनली आ चुका है लॉजिटेक का G502 लाइट स्पीड एंड आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। लॉजिटेक G502 हीरो ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा माउस था, बट जो एक चीज उसमें रह गई थी वो था उसे वायरलेस बनाना। सो वायरलेस माउस का नाम सुनकर ही गेमर्स के दिमाग में तीन प्रॉब्लम्स आया करती थी, वेट, लेटेंसी एंड उसकी बैटरी लाइफ। जनरली वायरलेस माउस जो होता है उनका वेट ज़्यादा हुआ करता था। ऐसा क्यों? ऑब्वियसली आप लोग जब बैटरी इसमें ऐड करते थे तो इसका वेट बढ़ जाया करता था। बट लॉजिटेक ने एक्जैक्टली किया क्या, उन लोगों ने हमारा जो लॉजिटेक G502 लाइट स्पीड है उसको लॉजिटेक G502 हीरो से भी हल्का बनाया। G502 को वायरलेस बनाने के लिए इट वॉज इम्पोर्टेंट दैट लॉजिटेक जी इसको बाहर से चेंज ना करके इसके पूरे इंटरनल्स को रीडिजाइन करे। दैट ऑब्वियसली रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ रिसर्च। लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद सम एडवांस्ड इंजीनियरिंग हैज मेड द ऑल न्यू G502 लाइट स्पीड पॉसिबल। लेटेंसी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं वायरलेस माउस विल नेवर बी एबल टू मैच द लेटेंसी ऑफ अ वायर्ड माउस, बट नहीं, यहाँ पर G502 लाइट स्पीड के 1 ms लेटेंसी आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस देती है। सो वायरलेस माउस का एक और प्रॉब्लम होता है जो कि होता है बैटरी लाइफ का। एंड लॉजिटेक का जो ये माउस है, अगर आप इसका RGB ऑन करते हैं तो ये 48 आवर्स तक चलता है एंड अगर आप इसका RGB ऑफ कर देते तो ये 60 आवर्स तक चल सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों का गेम जो है बीच में कभी भी आपका गेम खेलते खेलते माउस रुक नहीं सकता। 60 आवर्स तक चल सकता है, इसका मतलब अगर आप रोज भी 5 घंटे खेलते हैं तो दिस कुड इजीली लास्ट अप टू 12 डेज। कितना उदास हो गया होगा, अभी देख रहा हूं, ढूंढते रहना ना ढूंढते रहना। मुझे काफी सही लगता है लॉजिटेक जी जैसे अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करता है। बहुत कंसंट्रेशन के साथ प्रोडक्ट की काफी स्पेसिफिक चीजों पर फोकस किया जाता है। लाइक माउस व्हील को ही देख लीजिए, कुछ चेंजेस किए गए हैं इन द माउस व्हील्स बट स्टिल इट परफॉर्म्स एंड फील एग्जैक्टली द सेम। इस माउस की जो सबसे बेस्ट थिंग मुझे लगी है कि ये एग्जैक्टली एकदम सेम है हमारे पुराने लॉजिटेक G502 हीरो की तरह। इसके अंदर आपको एकदम परफेक्ट ग्रिप मिल जाएगी, 11 कस्टमाइजेबल बटन मिल जाएंगे, एडजस्टेबल वेट्स है इसके अंदर एंड इट हैज द सेम बीस्ट विच इज हीरो सेंसर। इस माउस की 1 ms लेटेंसी और इसकी जो कनेक्टिविटी है ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ ओनली लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी। लॉजिटेक के जी हब सॉफ्टवेयर जो कि है, इसका सॉफ्टवेयर अगर आप उस पर जाओगे तो आप लोग यहाँ पर जो आप लोग इफेक्ट देख रहे हो, जैसे मेरे इसमें ये है इफेक्ट है, इसको क्या बोलते हैं मेरे को खुद नहीं मालूम, बट ये मेरे को अच्छा लगता है। ब्रीदिंग इफेक्ट भी होता है बट ये ब्रीदिंग इफेक्ट नहीं है, ये आई थिंक साइकिल, हाँ ये साइकिल इफेक्ट लगा हुआ है मैंने इस माउस पे, मेरे को याद आ गया। तो आपको ये सब भी मिल जाता है लॉजिटेक के जी हब के सॉफ्टवेयर में। अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसी एपिक चीज़ अपने साथ रखे तो मैं आपको मेरे Amazon शॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस प्रोडक्ट की जो लिंक है आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं चलता हूं एंड मिलते हैं हम हमारी लाइव स्ट्रीम पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ख्याल रखिए एंड मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। दूसरे माउस से बेटर परफॉर्म करता है, क्या बोला था मैंने? सॉरी मनदीप, मनदीप ब्रो यार मेरी वीडियो एडिट कर, 3 दिन में एक करनी है 1000। INR तेरे को एड रेवेन्यू शेयर दूंगा बाद में। ओ भाई बहुत कम है, ये मत बोलना उसमें।